वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने आ, पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौक़ीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफी ज्यादा पसंद आने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूं तो दिल उस मूवी का नेम है जी हां इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहां पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देख को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर ये प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौक़ीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की, की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चेन्नई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देख को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौक़ीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग लो एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चेन्नई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर ये प्योर हिंदी जुबान में वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौक़ीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लो लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चेन्नई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं पर पर ये प्योर हिंदी जुबान में अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद है या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौक़ीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चेन्नई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स हिंदी जुबान में वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो तो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड तो उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चेन्नई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिले जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों ताँग के सामने काफी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की आई एम डी रेटिंग को गूगल के, के परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चेन्नई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लो लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिले जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सेनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफी अच्छी रखी गई है 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की से यहां पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चेन्नई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने बल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने जमाने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े यान बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफी अच्छी रखी गई है 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ मूवी की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानवर से यहां पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े यान बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफी अच्छी रखी गई है 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ मूवी की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानवर से यहां पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या, क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर ये प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रज़ेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफी अच्छी रखी गई है 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानवर से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिल देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं पर पर ये हिंदी जुबान में अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रज़ेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफी अच्छी रखी गई है 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्योरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिल देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर ये प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने बल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रज़ेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफी ज्यादा पसंद आने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहां पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिलवाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों लो को ऑब्वियसली तो इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ेन बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिल देख को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रज़ेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े अन बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने, देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्योरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखे को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफी ज्यादा पसंद आने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूं तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहां पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन तो होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिंबा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखे को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रज़ेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफी ज्यादा पसंद आने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूं तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहां पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देख को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफी ज्यादा पसंद आने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूं तो दिल उस मूवी का नेम है जी हां इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहां पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिल देख को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के, के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौक़ीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफी ज्यादा पसंद आने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूं तो दिल उस मूवी का नेम है जी हां इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहां पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आईएमडीबी रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देख को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर ये प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौक़ीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफी ज्यादा पसंद आने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूं तो दिल उस मूवी का नेम है जी हां इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहां पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है 5.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से काफ़ी अच्छी ख़ासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिल देख को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर ये प्योर हिंदी जुबान में वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौक़ीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौक़ीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफी ज्यादा पसंद आने वाली है यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूं तो दिल उस मूवी का नेम है जी हां इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहां पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहां पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल आते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से काफ़ी अच्छी ख़ासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देख को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर ये प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रज़ेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सेनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ें बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिल देख को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर ये प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चिन्नाई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देख को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर यह प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन, काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चेन्नई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को ईजिली देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर ये प्योर हिंदी जुबान में वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने वेल तो जी अगर आप लोग भी एस आर के फ़ैन हैं आप लोगों को एस आर के की मूवीज़ देखना पसंद हैं या फिर आप लोगों ने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी हैं जिनके अंदर एस आर के और काजल की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही होती है तो आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखने के शौक़ीन हैं आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली फिर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जिसके नेम की अगर मैं बात करूँ तो दिल उस मूवी का नेम है जी हाँ इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी इस मूवी के रिलेटेड आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को तो बताई जाएगी इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी मूवी दिल वाले के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्शन के बारे में कि इस मूवी के अंदर एक्शन होगा या नहीं क्योंकि अगर आप लोग एक्शन लवर हैं तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर यही चीज़ की तलाश होगी कि भाई हमें एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से एक्शन तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस तरह से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें एक्शन के अलावा ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें रोमांस देखने को मिलता है कॉमेडी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं शाहरुख खान वरुण धवन कृति सैनन काजल पंकज त्रिपाठी मुकेश तिवारी बोमन ईरानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें आई रेटिंग की और गूगल के यूज़र्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है तो इस मूवी की आई रेटिंग को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी रखी गई है फाइव पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर सिक्सटी एट परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहां पर यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दीजिएगा आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए यहाँ पर इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों के सामने तकरीबन रखी गई है दो घंटे और बीस से तीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली हम इस मूवी को कहाँ पर जाकर देख सकते हैं देख भी सकते हैं या नहीं इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला तो रोहित शेट्टी ने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला जिन्होंने पास्ट में सिंघम चेन्नई एक्सप्रेस सूर्यवंशी सिम्बा सर्कस दिलवाले इस तरह की मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों को इजीली देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को जाकर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर ये प्योर हिंदी जुबान में वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा काफी अच्छी मूवी है जिसे आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने